हमारा बेटा दो दिन से डायलॉग जप रहा है। आपका बेटा यही जप रहा है? हमारा, हम टेंशन में, हमारा बेटा डायलॉग जप रहा है। उसमें डायलॉग है, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, और जलेंगे भी तेरे बाप के। मतलब टपोरी जैसा पूरा है। तमाम आरएसएस वाले भाइयों को हम ढूंढ रहे हैं, तमाम विश्व हिंदू परिषद वाले भाइयों को हम ढूंढ रहे हैं, श्री राम सेना वाले भाइयों को हम ढूंढ रहे हैं, बजरंग दल वाले सेना, कौन कौन सेना के भाई हैं, जरा मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तमाम सनातनियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, जो सनातनी का अपने आप को बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, कट्टर सनातनी, मैं ढूंढ रहा हूँ उन लोगों को, तो बन चुके हैं। तमाम सनातनी लोगों के ऊपर ये घोर अत्याचार है, और भाजपाई लोग जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये तमाम सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका माकूल जवाब देंगे 2024। उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि शाहरुख खान थे ना फिल्म में, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि सलमान खान थे ना फिल्म में, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि फिल्म का नाम पठान था ना, आदि पुरुष थोड़े था, उनके तो नामे में मुंतशिर जुड़ा हुआ है, हो सकता है उनके बाबूजी मुसलमान होंगे, वो कैसे हिंदू अपने आप को कह सकते हैं। और इसमें जो आदि पुरुष फिल्म में जो डायलॉग लिखा गया है, उस डायलॉग में तो 40% उर्दू शब्द का यूज है, तो कैसे कह सकते हैं संस्कृत का यूज क्यों नहीं आपने? पिक्चर को बैन करने के लिए आरएसएस, बजरंग दल, ये क्यों लोग रोड पे नहीं उतर रहे? कुछ तो कारण होगा। इनके आका का आशीर्वाद मिला था ना, अब आका एक्सपोज हो गए ना। इनके जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम नेताओं का जो आशीर्वाद सिर की जगह पे, अगर कोई मुसलमान ये डायलॉग लिख देता तब अब क्या होता? अब तक तो उसको बिना वीजा के कहाँ कहाँ भेज दिया जाता ना भाजपाइयों के द्वारा। मतलब आप ये चीज मानते हैं कहीं ना कहीं कि आरएसएस और ये बजरंग दल वाले होते हैं सिर्फ दंगा लगाने के लिए रोड पे उतरते हैं? आरएसएस और बजरंग दल और ये सब का क्या कैपेसिटी? जो इनके आका है, जो इनके भाजपाई जो नेता है, उनकी ये साजिश है। जय श्री राम क्यों चिल्लाते हैं? सीता का अपमान करते हैं ना, जय सीताराम होना चाहिए, जय सीताराम कहने में भार पड़ता है। हो सकता है इतना पेशरा का बजरंग बली का डायलॉग हो सकता है। इतना पेशरा का जो बजरंग बली है ओकर बजरंग बली का डायलॉग। संतोष रेणु जी है जो आदि पुरुष देख के आए हैं और देख के इनका गुस्सा इस तरह से है कि आदि पुरुष का विरोध कर दिए है, क्योंकि आदि पुरुष में जो रामायण है उसका छीछा लेदर कर दिया गया है। सही बात है ना संतोष जी? तो क्या बात है, वो तो मनोज मुंतशिर मिल जाए जरा, हम तो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद ही पता चलेगा, और हम ढूंढ रहे हैं तमाम आरएसएस वाले भाइयों को, हम ढूंढ रहे हैं तमाम विश्व हिंदू परिषद वाले भाइयों को, हम ढूंढ रहे हैं श्री राम सेना वाले भाइयों को, हम ढूंढ रहे हैं बजरंग दल वाले सेना, कौन कौन सेना के भाई हैं, जरा मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तमाम सनातनियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, जो सनातनी का अपने आप को बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि हम सनातनी हैं, कट्टर सनातनी, मैं ढूंढ रहा हूँ उन लोगों को कि चलो देखो आदि शक्ति आदि पुरुष क्या क्या बना दिया है लोग। आप देखने गए थे आदि पुरुष? वही कितने, तो कितने बजरंग दल वाले को देखे कि बाहर खड़ा है? है ही नहीं ना, पठान में देखे थे बजरंग दल वाले? वही तो, पठान में तमाम बायकॉट गैंग को देख रहे थे। हमको ऐसा लगा था कि शायद अगर कोई सनातन धर्म पे फिल्म आएगा तो सभी बायकॉट गैंग सनातन धर्म के फिल्म को देखने के लिए आएंगे, लेकिन हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ना इनको निगलते बन रहा है ना इनको उगलते बन रहा है? सांप छुछुंदर वाला हालत मनोज मुंतशिर कर दिया है, लेकिन इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग अभी भी भाजपा 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 जपेंगे, अंधभक्त बन चुके हैं। तमाम सनातनी लोगों के ऊपर ये घोर अत्याचार है, और भाजपाई लोग जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये तमाम सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका माकूल जवाब देंगे 2024 में। मनोज मुंतशिर जो है, जब दीपिका पादुकोण बिकनी में आई थी तो उनका बहिष्कार कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसी पिक्चर बैन होनी चाहिए। आज उनको बहुत मजा आ रहा है हिंदू धर्म के साथ खेल के, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि शाहरुख खान थे ना फिल्म में, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि सलमान खान थे ना फिल्म में, इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि फिल्म का नाम पठान था ना, आदि पुरुष थोड़े था। अब आदि पुरुष बना करके ये तो बिल्कुल अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत बड़का लेखक है जावेद अख्तर साहब, ये तो कोशिश कर रहे थे कि हम राही मासूम रजा साहब जैसे हम बड़का डायलॉग लिखने वाले हैं। वो राही मासूम रजा साहब जिन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे,
और उस डायलॉग के आधार पे तमाम सनातनी लोग अपना मन पवित्र किए, उस डायलॉग के आधार पे अपने जीवन जीने की शैली को परिवर्तन कर दिए। मनोज मुतस्सिर खुद को बहुत बड़े बड़े हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बताते हैं। अरे उनके तो नामे में मुंतशिर जुड़ा हुआ है, हो सकता है उनके बाबूजी मुसलमान होंगे, वो कैसे हिंदू अपने आप को कह सकते हैं है? और इसमें जो आदि पुरुष फिल्म में जो डायलॉग लिखा गया है उस डायलॉग में तो 40% उर्दू शब्द का यूज है, तो कैसे कह सकते हैं संस्कृत का यूज क्यों नहीं आपने किया? अच्छा, तो इस पिक्चर को बैन करने के लिए आरएसएस, बजरंग दल, ये क्यों लोग रोड पे नहीं उतर रहे? कुछ तो कारण होगा। इनके आका का आशीर्वाद मिला था ना, अब आका एक्सपोज हो गया ना। इनके जो भाजपा के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम नेताओं का जो आशीर्वाद मिला था, अब तो जैसे ही विरोध करेंगे तो इनका आका एक्सपोज हो जाएंगे, इसीलिए विरोध नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि विरोध करेंगे तो वो इनके आका के तरफ से इन पे प्रेशर डाला जाएगा। अच्छा, राम जी को देखते के साथ लोगों के हृदय में लगता है कि हाँ ये मेरे आराध्य हैं, ये इसमें जो प्रभास राम जी का रूप लिए हैं उसको देख के आपको क्या लगा है? इसमें हमको लगा कि भाई मनोज मुंतशिर का डिजिटल है, ये डिजिटल खिलौना है, और भाजपाइयों के नजर में भगवान श्री रामचंद्र जी को जो छवि है वो इसमें नजर आ रही थी, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगती है और भगवान श्री राम का अपमान करती है। अच्छा, माता जानकी का अपमान करती है। इतना छीछा लेदर कभी हुआ है रामायण का जितना इस मूवी में कर दिया गया है? आप बताइए कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब गैर भाजपा सरकार के लोग अगर ऐसा करते तब यही लोग कहते हैं कि भाई देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है। अच्छा, मनोज मुनतिस्सिर की जगह पे अगर कोई मुसलमान ये डायलॉग लिख देता तब अब क्या होता? अब तक तो उसको बिना वीजा के कहाँ कहाँ भेज दिया जाता ना भाजपाइयों के द्वारा। मतलब अब ये चीज मानते हैं कहीं ना कहीं कि आरएसएस और ये बजरंग दल वाले होते हैं सिर्फ दंगा लगाने के लिए रोड पे उतरते हैं? आरएसएस और बजरंग दल और ये सब का क्या कैपेसिटी? जो इनके आका है, जो इनके भाजपाई जो नेता है, उनकी ये साजिश है कि किसी तरीके से भाजपाइयों के द्वारा सनातन का समाप्ति कर दिया जाए। भाजपाइयों के द्वारा सनातन बिल्कुल का समाप्ति कर बिल्कुल दिया जाए। तो फिर वो जय श्री राम क्यों चिल्लाते हैं? सीता का अपमान करते हैं ना, जय सीता राम होना चाहिए, जय सीता राम कहने में भार पड़ता है, जय राधे कृष्ण हम लोग कहते हैं तो जय सीता राम कहने में भार पड़ता है, फिर खाली श्री राम क्यों? और अगर श्री राम भी कहते हैं तो फिर क्या यही श्री राम जी को कहते हैं क्या जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, यही टेक्निकल श्री राम जी को? अच्छा, आदि पुरुष पे जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं जो खुद को हिंदूवादी बोलते हैं सबको साफ सुन गया है, मुंह पे ताला लग गया। वो लोग बिल में दुबके हुए है ना, वो लोग बिल में दुबके हुए, शर्म के मारे उनका चेहरा बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा। हम तो कह रहे हैं फ्री में बुला रहे हैं, हम आइए, हम टिकट का पैसा देते हैं, चलो आदि पुरुष देखो, देखो आदि पुरुष। लगता है कि जिसके मन में राम होंगे वो ऐसा आदि पुरुष देखने जाएगा। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान है और ये जो कैरेक्टर दिखाया गया है भाजपाइयों के राम है। अच्छा, जिस तरह से लैंग्वेज यूज कर किया गया है आपको नहीं लगता है कि टपोड़ी कोई बोल रहा हो? जैसे इस प्रकार से ये भाजपा के लोग और मनोज मुंतशिर दिखाए है कि इनके कल्पना के अनुसार बजरंग बली का डायलॉग ऐसा ही होता है, इनके कल्पना के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र का डायलॉग ऐसा ही होता है। अच्छा, कल को जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे रामायण का तो वही डायलॉग ना बोलेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारे राम जय श्री राम, वो तो यही बोलेंगे ना कि अरे कोई उसका डायलॉग है ये आए कि तेरी पूछ किसने जलाई, तेल तेरे बाप का, ये यही सब डायलॉग बोलेंगे ना? हमारा बेटा 2 दिन से डायलॉग जप रहा है। आपका बेटा यही जप रहा है? हमारा, हम टेंशन में, हमारा बेटा डायलॉग जप रहा है। उसमें डायलॉग है, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, और जलेंगे भी तेरे बाप के, मतलब टपोरी जैसा पूरा है। बारे भाई बजरंग बली का डायलॉग हो सकता है? इतना पेशरा का बजरंग बली का डायलॉग हो सकता है? इतना पेशरा का जो बजरंग बली है ओकर बजरंग बली का डायलॉग हो सकता है?
पूरा देश के बजरंगबली का, पूरे दुनिया का बजरंगबली का डायलॉग ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए हमारे साथ संतोष रोहन हुए, जिस तरह से छीछा लेदर कर दिया गया है आदि पुरुष का और जिस तरह से धर्म के नाम पे हमारी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है, आप भी इस पिक्चर के बारे में क्या सोचते हैं? बहिष्कार करते हैं या इस पिक्चर को देखना पसंद करते हैं? और आपके बच्चों पे कौन सा असर डालेगा ये पिक्चर, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि इस पिक्चर के डायलॉग अगर कोई मुस्लिम लिखते तब इस देश में अभी तक क्या हो जाता।